जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस बारे में रखी है? ये फिल्म हमने फिल्म बनाई है भोपाल 84, जो एक रिकॉर्डिंग है भोपाल के एक वीडियो वेडिंग वीडियोग्राफर की। उसको हमने फिल्म को एक्वायर करके एक घंटे से कम डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो उस चीज़ के दृश्य को दिखाता है और उस चीज़ की हकीकत जो हुई थी उस दिन के बाद और दूसरे दिन के बाद उसको दिखाता है। और ये कहानी है दो लोगों की, जो मुशर्रफ अली जो वेडिंग वीडियोग्राफर हैं और जगदीश निमर जो मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, ये इन्होंने काफ़ी वहाँ पर सोशल वर्क करा है। इन दोनों की लाइफ के ऊपर है, जो एक बहुत ही ऐसे मेमोरी ऑफ ए सिटी, और ये इस चीज़ का महसूस कराता है या इस चीज़ के बारे में बताता है कि जो गवर्नमेंट फिगर्स हैं कि 3,000 लोग मरे हैं, ये सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा झूठ है। काफ़ी हद में उससे ज़्यादा लोग मरे गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट कह लीजिए उसको, दिस इज़ रियली ए बिग टेस्टमेंट कि जो गवर्नमेंट फिगर्स हैं, दिस फार एक्सीडिंग द गवर्नमेंट फिगर्स। इतना टाइम क्यों लग गया आपको डॉक्यूमेंट? हमने ये फिल्म एक्वायर करी थी मुशर्रफ भाई से 2006 में। फिर उसके बाद हमारे दूसरे भी हम फिल्में बनाते हैं, प्रोफेशनली कमर्शियल्स भी बनाते हैं, तो उसके बाद हम एक मौका ढूंढ रहे थे कि सही मौका आए, और जब फिल्म को रिस्टोर करने में काफ़ी टाइम लगा, इसलिए पुरानी फिल्म थी और VHS पे शूट करी गई थी, और उस पर हमें इकट्ठा करने में मटेरियल करने में काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का, और हम एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे जो आज मैं समझता हूँ। कितने मिनट की बनी है ये अपने डॉक्यूमेंट्री? कितने मिनट की बनाई? ये है 48 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री, जो हम शॉर्ट वर्जन भोपाल में दिखा रहे हैं, और इसका लॉन्गर वर्जन भी है जो फिल्म फेस्टिवल्स में जाएगा दुनिया भर। इसमें करंट अफेयर में आपने क्या दिखाया, किन चीज़ों को फोकस करेंगे आप इसमें? देखिए, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट लोगों को हुआ उसके बारे में है, और इसमें जो है जो एक थायोसल्फेट जो इंजेक्शन दिया गया था उसकी जो कितना छुपाया था वो लोगों को देने के लिए। मैं चाहूँगा कि जगदीश निमर जी आप थोड़ा बोलिए इस बारे में। इसलिए है क्या कि अमेरिका से या कहीं से भी थायनोसल्फेट, सोडियम थायनोसल्फेट उस इंजेक्शन का नाम था, और वो इंजेक्शन लगाकर इस गैस त्रासदी की जो पीड़ा थी या जो उससे नुकसान होना था उससे बचाया जा सकता था, तो वो इंजेक्शन आए थे गैस पीड़ितों को लगने के लिए। मगर वो इंजेक्शन मेरे हिसाब से, मैं गैस पीड़ितों को नहीं लगे ऐसा कोई गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं होगा, अगर होगा तो ऐसा कम लोगों का होगा जैसे मैं था। अब मैंने जब मेरी परिस्थिति डॉक्टर को पूरी बताई तो उन्होंने कहा कि साहब आपको तो सोडियम थायनोसल्फेट के इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है कम से कम, तो वो उसने मतलब मंगाए और उसने मुझे लगाए 5 इंजेक्शन, 7/11/85, 8/11/85, 9/11/85, 10/11/85, 11/11/85, ये 5 इंजेक्शन मुझे लगे। तो वो बाकी इंजेक्शन कहाँगा जो लाखों की तादाद में आए थे, वो VIP अफसर बड़े बड़े लोगों को लग गए, जबकि उन तक वो चीज़ पहुंची नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भोपाल में गैस कांड हुआ तो हम मर नहीं जाए कहीं, क्योंकि मौत से सब डर रहे ना, उसी मौत के डर की वजह से वो वहाँ लाशें पड़ी रही चूल्हे पर, उनको कुछ जलाने वाला उनका संस्कार करने वाला नहीं मिला। तो ये डॉक्यूमेंट्री में वो सब दिखाया आपने? सब बताया, सब मैं आपको सब वहाँ क्लियर होगा, और जब डॉक्यूमेंट्री आप देख लेंगे उसके बाद अगर किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होते हैं किसी भी तरह के, तो उसका उत्तर देने के लिए हम बैठे। देखिए, ये बहुत बड़ी, मैं आपसे एक बात, कहाँ पर आपको उसको क्लेश कर रहे हैं? ये कल हम December 3, जो एक बहुत ही ट्रेजिक डे है भोपाल के लिए, उसको हम मानस भवन में दिखा रहे हैं 6:30 बजे। जी।